डियर ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल अल्प्स इंग्लिश एकेडमी। एज यू नो कि हमारा चैप्टर टेंसेस का स्टार्ट है और आपको मालूम ही है कि हमारी कोशिश यही है कि हम इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी करके आपके सामने पेश कर सकें, ताकि हर स्टूडेंट को, हर वॉचर यानी कि देखने वाले को आसानी के साथ एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। और आज हमारा चैप्टर जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट हमारा आगे होना है। लास्ट क्लिप में हमने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग अप से शुरू होते हैं, पूरी क्लिप हम इसके ऊपर दे चुके हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक का आंसर यस या नो में आता है और वो शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, किसी भी टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा और वो हेल्पिंग वर्ब अपना काम तो करेगा और वो क्या का मीनिंग भी करेगा। मॉडल्स के अंदर भी यही है, मॉडल वर्ब जो होते हैं शुरू में आ जाते हैं तो वो क्या क्या काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था मैं, जैसे मैं आई कम इन सर पूछते हैं हम, मैं आई कम इन मैडम, क्या मैं अंदर, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो क्या से स्टार्टिंग होती है ट्रांसलेशन में, तो जवाब मिलता है यस। उसके बाद आगे बोला जाता है यस या नो में स्टार्टिंग रहेगी, यस या नो में आंसर होगा। आज हम जो पढ़ रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली के जो सेंटेंसेज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट्स आपको लास्ट क्लिप में बताए थे, फिर भी रूल यहाँ लिखा हुआ है, मैंने मिटाया नहीं है। आगे डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस हमने लिखे हैं कि अगर आंसर में कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, पैटर्न ये रहा। ठीक है, उसके बाद जो है हेल्पिंग अप, अब इसके अंदर हैज बीन और हैव बीन है, तो हैज और या हैव डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के बाद लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, बीन ये रहा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब है और रहा की वजह से वक्की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे क्योंकि कंटीन्यूअस वी इसके अंदर। ठीक है, वक्की फर्स्ट फॉर्म पर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आगे सिंस या फोर। ठीक है, सिंस या फोर के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो फर्स्ट क्लिप थी उसमें अच्छी तरह डिफाइन करा है कि फोर जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है और सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये होता क्या है, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये होता है कि आपको मालूम चल जाएगा कि इस टाइम से काम शुरू हुआ है, उसके पीछे कुछ और नहीं है। जैसे कि वे 4 बजे से मेरा वेट कर रही है, तो 4 बजे यानी कि 4 बजे से पहले का कोई टाइम नहीं है, 4 बजे से है। अगर मैं कहूँगा 4 दिन से वेट कर रही है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि 4 दिन मतलब जैसे आज 4 डे है तो इससे पहले 3 दिन है, यानी कि 4 वाले जो वक्त होंगे उसमें पीछे बैक में पास्ट में और टाइम रहेगा। ठीक है, और जो सिंस वाला टाइम होगा उसमें बिल्कुल निश्चित एक फिक्स आपको टाइम मालूम चल जाएगा, अच्छा ये टाइम है 5 बजे से या सुबह से, शाम से, कल से, बचपन से, ये सिंस होगा। ठीक है, हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, लुक एट बोर्ड नाउ। देखिए सेंटेंस लिखा हुआ हिंदी में कि वे 2 घंटे से क्या पका रही है, क्वेश्चन पूछा कि वे 2 घंटे से क्या पका रही है, तो आप बताएंगे वो ये पका रही है या वो आइटम बना रही है, यानी कि आप जो जवाब में बताएंगे वो ऑब्जेक्ट बताएंगे। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो डब्ल्यू एच फैमिली का है। ठीक है, अब डब्ल्यू एच फैमिली का कौन सा वर्ड है, वर्ड्स में अगर आपको याद है जैसे व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहा, व्हाई मीन्स क्यों, ठीक है, हाउ मीन्स कैसे, ये वर्ड्स आपको जरूर याद होने चाहिए सारे के सारे। इसके बारे में भी जो है पूरी क्लिप हम आपको दे चुके हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। देखिए अब इसके अंदर क्या है, भाई 2 घंटे से क्या पका रही है, तो इसमें क्या, तो क्या के लिए इसमें पहले शुरू में व्हाट आई है, व्हाट मीन्स क्या, अब काम करने वाला कौन है, वे यानी कि लड़की है, पका रही है यानी कि सिंगल है शी, तो शी की वजह से हैज बीन लगेगा। अब व्हाट के बाद हैज, फिर शी लगाया आपने, सब्जेक्ट, फिर बीन लगा दिया, अब काम हो रहा है पकाना, तो कुक में एनजी आ गया। अब 2 घंटे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगता है, 4 2 आवर्स, ये बनाने का तरीका है। ट्रांसलेशन यहां से होगी, जब भी डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस होंगे हम उसकी ट्रांसलेशन जो करेंगे वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वे 2 घंटे से, अब इसमें 4 आ रहा है, 4 का मीनिंग होता है के लिए, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस जो आप पढ़ेंगे चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसमें सिंस और 4 का मीनिंग जो होगा वो से होगा। जी हाँ, से होगा, सिर्फ परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। तो 4 2 आवर्स आपके दिमाग में आ रहा होगा, से तो फ्रॉम होता है, यहां फ्रॉम नहीं आएगा टाइम के साथ, तो 4 2 आवर्स 2 घंटे से। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, आप सुबह से क्या सोच रहे हो, यानी कि आप, मैंने आपसे, आप क्या सोच रहे हो सुबह से, सर मैं सोच रहा हूं कि इस तरह की बात, कुछ भी है तो आप कुछ बताएंगे, यस क्यों नहीं बोलेंगे, तो स्टार्टिंग में व्हाट आपके लिए यू हो गया, यू के साथ हैव बीन लगेगा, तो हैव ये आ गया, बीन आ गया। ठीक है, व्हाट हैव यू बीन, सोचना थिंक, तो थिंकिंग हो गया, सुबह से सिंस मॉर्निंग यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जॉन 5 सालों से कहाँ रह रहा है, यानी कहाँ रह रहा है जॉन 5 सालों से, जगह का नाम बताएंगे, तो कहाँ के लिए वियर आ गया, जॉन सिंगल है तो हैज जॉन बीन, लिविंग हो गया कब से, 5 सालों से, तो 4 5 ईयर्स। हिंदी भी लिखी हुई है, इंग्लिश भी सामने लिखी हुई है, क्योंकि मकसद सिखाना है, मकसद ये नहीं कि आपको टाइम पास कराना है या फिर क्या कहते हैं क्लिप लंबी करनी है, सिखाने का मकसद है।
जो भी डाउट हो आप सब पूछ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए, वेयर हैज जॉन बी लिविंग फॉर 5 ईयर्स, ये आ गया। वे 5 बजे से हॉल क्यों सजा रहे हैं, यानी कि ज्यादा लोग हैं, ठीक है। तो वे के लिए दे हो जाएगा और दे के साथ हैव बीन, जरा हैव, ठीक है, बीन नहीं लिखा मैंने, अब लिख देता हूं। देखिए, तो वेयर, ये व्हाई हैव दे बीन, ठीक है, यानी कि वे 5 बजे से हॉल क्यों सजा रहे हैं। अब क्यों, व्हाई आ गया, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड, दे के साथ हैव है, तो हैव दे बीन हो गया, सजाना, डेकोरेट, डेकोरेटिंग हॉल, कब से, 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। वे आपसे एक लंबे समय से बात क्यों नहीं कर रहा है, क्वेश्चन पूछा आप, जब भी मैं देखता हूँ आपसे बात ही नहीं करता, क्या बात है, एक लंबे समय से आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, तो रीजन बताया जाएगा, तो वाई यानी कि क्यों। वे एक है तो ही आ गया, अच्छा क्यों नहीं कर रहा है तो हैज ही नॉट बीन, नॉट बीन हो जाएगा, आप चाहे तो हैजंट लिख सकते हैं, व्हाई हैजंट ही बीन, इसे कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो व्हाई हैजंट ही बीन, इस तरह लिख सकते हैं आप। तो बात करना, टॉक, टॉकिंग टू यू यानी कि आपसे, कब से, एक लंबे समय से, एक लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राज परीक्षा के लिए चंद दिनों से तैयारी कैसे कर रहा है। तो इसमें जो हमने पहले देखा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड कैसे, तो कैसे के लिए हमने हाउ लगाया, हाउ, उसके बाद राज सिंगल है तो हैज आ गया, हैज राज बीन, तैयारी करना प्रिपेयर, तो हाउ हैज राज बीन प्रिपेयरिंग, काहे के लिए, फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए, फॉर फ्यू डेज, चंद दिनों से। अब देखिए दो बार फॉर आ रहा है, एक फॉर ये रहा, एक फॉर ये रहा, यहां जो फॉर आ रहा है ये आ रहा है के लिए, वर्ब के बाद, के लिए, के लिए, इसका तो टाइम नहीं है, एग्जाम्स, ठीक है। आगे जो फॉर आ रहा है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो मीनिंग से निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हाउ हैज राज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर फ्यू डेज, आप भी बनाए कोई सेंटेंस कि हाउ हैज शी बीन ट्रीटिंग यू, वो आपसे कैसे बर्ताव कर रही है, या हाउ हैज शी बीन, हाउ हैज शी बीन टॉकिंग टू यू, आपसे कैसे बात कर रही है, फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों से, कुछ भी बना सकते हैं आप इस तरीके से। आगे देखें आप, तो किसान कल रात, किसान कल रात से, यह आएगा किसान कल रात से कड़कड़ाती ठंड में बीज कैसे बो रहे हैं, बीज कैसे बो रहे हैं, किसान कल रात से, यानी कि काम करने वाले किसान, कैसे, कैसे, हाउ, हाउ शुरू में आ गया, किसान बहुत सारे हैं तो हैव लगाया, हैव द फार्मर्स बीन, हैव द फार्मर्स बीन, ठीक है। हम अगर किसान एक लेंगे तो हैज हो जाएगा, तो हाउ हैव द फार्मर्स बीन, ठीक है, सोइंग सीड्स, काम कौन सा हो रहा है, बीज बोना, बो देना, सो बीज सीड्स, ठीक है। तो हाउ हैव द फार्मर्स बीन सोइंग सीड्स, कड़कड़ाती ठंड, ऐसी ठंड जिसमें दांत बजने लगे, तो उसे बाइटिंग कोल्ड बोलते हैं, क्योंकि बाइट होता है मुंह से काटना, ठीक है, मुंह से काटा, तो कड़कड़ाने की ठंड जो होगी, कड़कड़ाने वाली, तो वो बाइटिंग कोल्ड, तो इन बाइटिंग कोल्ड, कब से, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। देखिए संडे थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, ये थोड़ा दिमाग लगा के इस पर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इससे प्रैक्टिस करी जाएगी, आराम से आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि काम ऐसा है इसमें जो पास्ट में शुरू होता है और अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। हाउ हैव द फार्मर्स बीन सोइंग सीड्स इन बाइटिंग कोल्ड सिंस लास्ट नाइट, बोलिए, प्रैक्टिस करिए, खुद बोलिए सेंटेंस को, बोलिए, आप बोलेंगे ऐसा, बोले कुछ सुने तो ये इस तरह प्रैक्टिस करें, इन सेंटेंस को बोलिए, हाँ मैं कहीं बोलिए, और दिमाग में देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचिए, तो बहुत जल्दी आपको जो है इंग्लिश बोलनी आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे देखिए सेंटेंस, आपके बच्चे 2 सालों से कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में, अब ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया, कौन से, देखिए कौन से, सब जानते हैं विच, कौन से, तो कौन से में, यानी कि अंदर, तो इन विच हो गया, इन विच स्कूल, कौन से स्कूल में, आपके बच्चे, अब आपके बच्चे किसी भी आप पूछ रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, तो ज्यादा है बच्चे, बच्चा एक तो है नहीं, जैसे ये बच्चे कहा गया है, तो योर चिल्ड्रन, तो हैव आ गया, बीन येरा बाद में, तो इन विच स्कूल हैव योर चिल्ड्रन बीन स्टडिंग, अब टाइम दे रखा, टाइम फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जवाब देंगे आप कि अवर चिल्ड्रन, तो मैं आपसे योर क्वेश्चन करूं, आप अवर में जवाब देंगे, अवर चिल्ड्रन या माई चिल्ड्रन, अब आगे आएगा यही हैव आ जाएगा, माई चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग इन, जो भी क्वेश्चन आपको बताना एक्स वाई जेड, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, क्योंकि जिस टेस्ट में क्वेश्चन होता है उसी टेस्ट में जवाब होता है, ठीक है। देखिए अब आगे सेंटेंस है कि विच काइंड ऑफ ड्रेस हैज दैट टेलर बीन सोइंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे, पहले इंग्लिश बोली मैंने, हिंदी आके लिखी हुई है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, जी वे दर्जी परसों से, अब परसों यानी एक कल जो भी गया, एक उससे पहले का दिन परसों, डे बिफोर यस्टरडे, तो सिंस डे बिफोर यस्टरडे आ गया परसों, ठीक है। वे दर्जी परसों किस तरह की ड्रेस, तो किस तरह की ड्रेस,
ये आपका विच काइंड ऑफ, किस तरह का, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, विच सॉर्ट ऑफ, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो विच काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है। अब दर्जी की बात, वह दर्जी एक है, तो दैट टेलर, तो हैज यहां पर आ गया, हैज दैट टेलर बीन, सी यू, सिलाई करना, स्विंग मशीन होती है ना, सिलाई की मशीन, तो विच काइंड ऑफ ड्रेस हैज दैट टेलर बीन स्विंग सिंस डे बिफोर यस्टरडे। आगे देखिए, आपका भाई 2 महीने से कौन सी दुकान से जरूरी सामान खरीद रहा है। संडे थोड़ा लॉन्ग बनाया क्योंकि आपको सिखाना है, लेकिन आपका भाई कौन सी दुकान से क्या टाइम से 2 महीने से सामान खरीद रहा है। तो काम करने वाला आपका भाई, यानी कि योर ब्रदर, सिंगल है तो हैज बीन आएगा, ठीक है। कौन सी दुकान से, तो से, यहां से के लिए फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम विच शॉप, कौन सी दुकान से, फ्रॉम विच, कौन सी से, तो फ्रॉम विच शॉप, आपका भाई सिंगल हैज आ गया, हैज योर ब्रदर बीन, खरीदना बाय, बाइंग दी जरूरत का सामान, आवश्यक जो सामग्री होती है, नेसेसरी गुड्स, द नेसेसरी गुड्स, कब से, फॉर 2 मंथ्स। अब आप इसको पढ़िए कि फ्रॉम विच शॉप हैज योर ब्रदर बीन बाइंग द नेसेसरी गुड्स फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आगे देखें, सैंडल से वे लड़कियां किसकी सेवा कर रही है कई दिनों से। अब इसमें WH फैमिली, किसकी, ठीक, किसकी सेवा, किसके लिए सेवा कर रही है। देखिए, एक होता है अगर हुज, किसका, किसकी, किसकी, एक होता है हुम, ये किसको, किसको, किसे, ये किसके लिए, टू हुम, किसको, यानी कि किसकी सेवा कर रही है, तो टू हुम आएगा यहाँ पे, टू हुम किसके लिए सेवा कर रही है, किसके लिए करे, तो टू हुम हैव दोज गर्ल्स, हैव क्या की, वो लड़कियां हैं, तो दोज गर्ल्स हैव आ गया, आगे बीन लग गया, टू हुम हैव दोज गर्ल्स बीन सर्विंग, सर्व सेवा करना, फॉर मेनी डेज, कई दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम। दो का मीनिंग नहीं लिखा, आप इसका मीनिंग करेंगे संडे, देखिए, हुज कार हैज द मैकेनिक बीन रिपेयरिंग, यानी कि मैकेनिक किसकी कार, ना हुज किसकी कार, मैकेनिक हैज आ गया, मैकेनिक ठीक कर रहा है, रिपेयर कब से, कल शाम से। आगे संडे देखिए, विच बुक, कौन सी किताब, क्योंकि विच का मीनिंग कौन सा, कौन सी, कौन से, विच लगा, उसके हम पहले इन लगा दें तो किस में हो गया, ऑन विच, कौन से पर हो गया, ठीक है, फ्रॉम विच, कौन से हो गया, विच काइंड ऑफ, किस तरह का हो गया, ठीक है। अब विच बुक हैज हामिद बीन रीडिंग फॉर 20 मिनट्स, मीनिंग करें आप जी, हामिद कौन सी किताब 20 मिनट से पढ़ रहा है, समझ में आएंगे आपके। देखिए, हमने एक वर्ड लिखा है, आपके वर्ड लिखे, हाउ लॉन्ग, सिंस वैन, फ्रॉम वैन, कुछ सेंटेंस इसके भी होते हैं, या आपके आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, आराम से, मैं 3-4 सेंटेंस और इसके रह गए, वो आपको भी लिखवा देता हूँ मैं, कि हाउ लॉन्ग, सिंस वैन, फ्रॉम वैन के 4-5 सेंटेंस, फिर हमारा जो है ये क्लियर हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अभी लिखवाते हैं, देखिए सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने, और इस ये सेंटेंस इस तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, इसके अंदर टाइम नहीं है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टाइम क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसका आंसर है टाइम, और जिस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन में तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे व्हाट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, वेयर के साथ जगह का नाम नहीं आता, इस तरीके से हाउ लॉन्ग या फिर आपका फ्रॉम वैन, सिंस वैन, ये 3-4 सेंटेंस लिखें, आप इन्हें समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले हिंदी में देखते हैं, आप उसे विज्ञान कितने समय से पढ़ा रहे हो या पढ़ा रहे हैं, जो भी है, तो आंसर में आ गया, मैं उसे 4 दिन से पढ़ा रहा हूँ, 5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, वो आंसर में आएगा, तो क्वेश्चन में टाइम तो नहीं आएगा। अब कितने समय से क्या बोलेंगे हम, कहेंगे हाउ लॉन्ग, जी हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, तो हाउ आप, यानी कि यू के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, हैव पहले आएगा, बीन बाद में आएगा, आपको मैं बता चुका हूं। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग साइंस, आप कितने टाइम से, कितने समय से साइंस पढ़ा रहे हैं, टू हर उसे, अब आंसर में होगा आई हैव बीन टीचिंग साइंस टू हर, जो भी आपको टाइम बताना है, फॉर 5 मंथ्स, जो भी आपको आंसर बताना है, ठीक, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। तो हाउ लॉन्ग, कितने वक्त से, जी वे आपसे कितने समय से बात नहीं कर रही है, वो आपसे कब से बात नहीं कर रही, पूछते हैं आपस में, बातचीत होती है, 4 दिन होगा, बात नहीं कर रही मुझसे, आंसर भी इस तरीके से होगा। तो टाइम क्वेश्चन में नहीं है, कब से, यानी कि हाउ लॉन्ग, आप ये भी कह सकते हैं फ्रॉम वैन, सिंस वैन, ये भी कह सकते हैं, गलत नहीं है सेंटेंस, सेंटेंस इसके भी लिखे हुए हैं, इस्तेमाल करना बताया है। हाउ लॉन्ग हैज शी नॉट बीन, क्योंकि शी के साथ हैज आएगा, तो हैज शी नॉट बीन, आप हैजंट भी लिख सकते हैं, दोनों सेंटेंस लिखे, कॉन्ट्रेक्शन भी हो सकता है ये। तो हाउ लॉन्ग हैज शी नॉट बीन टॉकिंग टू यू, या हाउ लॉन्ग हैजंट शी बीन टॉकिंग टू यू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, वे दिल्ली में कब से रह रहे हो, रह रहे हैं, वे दिल्ली में कब से रह रहे हैं, वे इनके बहुत सारे, तो दे आ गया, दे के साथ हैव बीन होता है, तो ये हैव पहले आया हुआ है, बीन बाद में आया हुआ है, लेकिन कब से, तो कब के इंग्लिश जो है वैन होती है, तो फ्रॉम वैन भी कह सकते हैं, सिंस वैन भी कह सकते हैं, तो सिंस वैन हैव दे बीन लिविंग इन दिल्ली, तो आंसर इसी में से आएगा, ये हैव बाद में आ गया, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020
4-5 years जो भी आपको टाइम बताना है, आंसर इस तरीके से हो जाएगा। यासीन आपको कब से सहारा लगा रहा है, इनका सपोर्ट देना सहारा दे रहा है, तो फ्रॉम वैन, सिंस वैन भी लिख सकते हैं, या हाउ लॉन्ग भी हो सकता है, आप कहना चाहे तो कितने टाइम से, फ्रॉम वैन, अब यासीन सिंगल है, हैज यासीन बीन सपोर्टिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, बस्ता यानी कि थैले बैग कब से मेज पर पड़े हुए, अच्छा पड़े हुए, लेटे हुए, दिए हुए, ये सब कंटिन्यूस ही होता हमारा, टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूस, अब टाइम जो आंसर में आएगा, तो फ्रॉम व्हेन हैव द बैग्स बीन, सॉरी मैं भूल गया, हैव द बैग्स बीन लाइंग ऑन टेबल, फ्रॉम व्हेन हैव द बैग्स बीन लाइंग ऑन टेबल, यानी कि बैग जो है वो टेबल पर कब से है, आप सेंटेंस चेंज करें, मिसाल के तौर पर आपने चिल्ड्रन लगा दिया, फ्रॉम वैन हैव द चिल्ड्रन प्लेइंग मैच, यानी बच्चे मैच कब से खेल रहे हैं, इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना देंगे, कोई से वर्ड लेंगे, फ्रॉम वैन हैव यू बीन टीजिंग हर, आप उसे कब से सता रहे हो, कब से छेड़ रहे हो, कब से परेशान कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, तो ये हमारा जो है डब्ल्यू एच फैमिली के सेंटेंस कंप्लीट हो गए। लास्ट में हुक का पॉइंट रह गया, हुक का पॉइंट डिफरेंस होता है, थोड़ा डिफरेंट है, अलग है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, थोड़ी छोटी क्लिप होगी, तो हमारा टेंस ये जो प्रेजेंट का पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इट हैज बीन क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।